गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। हम कब से सत्संग में आ रहे हैं? 20 साल हो गए, भगवान मिल गए, तो कमी कहाँ है? एक खास प्रश्न है। मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पाठ करते हैं, उन्नति नहीं हो रही, ये क्या कारण है? तो कारण है, संसार से संबंध बना लिया है। लेख है स्वामी राम सुखदास जी का कि हमको मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए। हम भगवान के लाडला बेटा बेटी हैं। कैसे पता? ऐसे पता है कि 84 लाख योनियां हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु देखते ही आप, पशु पक्षी कितने कितनी योनियां हैं, और हमको मनुष्य शरीर मिला है ना? तो हम भगवान के लाडला बेटा बेटी हुए, नहीं तो हमको भी जानवर बना देते। तो शास्त्रों में जो मनुष्य शरीर की महिमा गाई है, उसका तात्पर्य है कि शरीर से हम, इस शरीर से, मनुष्य शरीर से हम पूर्ण उन्नति कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। मनुष्य को इच्छा रहती है कि दुख तो रहे नहीं और आनंद शांति मिल जाए। हर एक को यही होता है कि दुख तो रहे नहीं और आनंद शांति मिल जाए। एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो महान शांति को प्राप्त कर सकता है, दुखों का लेश भी न रहे, ऐसी स्थिति मनुष्य प्राप्त कर सकता है। वो कब होगा? जब हमारा मन भगवान में लग जाएगा, लग जाएगा। अभी तो लगा रहे ना हम, तो दुख हैं, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, पैसे की कमी है, दिक्कत है, चोरी ठगी नाइंसाफी, कितनी परेशानियाँ, कितने चक्कर, कितने दुख, कितनी तकलीफ। ये तब तक है जीवन में जब तक हमारा मन पूरा पूरा भगवान में नहीं लग गया। और भगवान की वो देखिए कितनी कृपा है हम पर कि हमको सत्संग मिल गया है, हमको गुरु मिल गए। गुरु न मिलते कलयुग होता। गुरु के होने से जीवन में कितना परिवर्तन है। और भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, क्या सही है क्या गलत है, हम क्यों मनुष्य शरीर में आए हैं, क्या करना है, भगवान को पाना है। और काम तो सब हो ही रहे हैं। देखिए दो बातें होती हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। जब जो बात चलती है वो बात पक्की करने के लिए अपने लिए होती है, हमारे लिए, मन के लिए अंदर। और जो बाहर वाली बात है, सब काम करते रहो, सेवा करते रहो, घर की खूब सेवा करो, खूब प्रेम से रहो, किसी को बुरा करके मत देखो, ये सब बाहर के लिए बातें हैं, वो सब वैसे ही चलेंगी। लेकिन जो हम हैं, मैं हम कहते हैं, मैं कहते हैं ना मैं, तो हम सुखी क्यों नहीं हैं? पूर्ण सुखी, पूरा, आधे सुखी आधे दुखी, कभी सुख है कभी दुख है, ये तो नहीं हो, पूरा जीवन तो नहीं हुआ है, पूर्णता नहीं हुई। अब बुद्धि का सदुपयोग दुरुपयोग देखिए। दुरुपयोग ये है, आदमी दूसरों का नुकसान करता है, कर्म बना लेता है। आपने आज स्टोरी सुनी होगी कि कुछ पैसों के लिए आदमी कर्म बना लेता है और फिर जब भोगता है, वाह हाँ हाँ, एक चाल आदमी चलता है, एक चाल भगवान चलते हैं। हमने तो चल ली अपनी चाल, अब जब भगवान की बारी आती है, ओ मैंने ऐसा क्या करा था। अस्पतालों में जाइए, कितने लोग बीमार पड़े हैं, उनसे पूछिए कैसे हो, पर समझ में नहीं आता मैंने ऐसा क्या करा था, मेरे साथ इतना दुख क्यों है। शरीर की बीमार है, मन की बीमार है, पैसे की बीमार है, हर तरफ से मारी मार है, भरा पड़ा है दुख। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। सत्संग में हम आ गए हैं तो हम साधक कहलाते हैं, और साधक माना जो सावधान है। सदुपयोग ये है कि हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए लोग बहुत काम करते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं,
यज्ञ आदि करते हैं, हवन इत्यादि पूजा पाठ सब करते हैं, बहुत कर लेने पर भी परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या कारण है? हम कब से सत्संग में आ रहे हैं? 20 साल हो गए, भगवान मिल गए, तो कमी कहाँ है? एक खास प्रश्न है। मंदिरों में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पाठ करते हैं, उन्नति नहीं हो रही है, क्या कारण है? तो कारण है, संसार से संबंध बना लिया है। संसार में अगर हम एक से भी संबंध बना लेते हैं, एक से भी, हमने तो पता नहीं कितने संबंध बना रखे, एक से भी संबंध बना लेते हैं तो भगवान नहीं मिलेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, भगवान को एक भी पसंद नहीं है दूसरा, केवल भगवान से हमारा संबंध। ये अंदर की बात है, बाहर मत कहना। बेटा बेटी, बच्चा बच्ची, ये वो सब चलेगा। देखिए, जब लड़की की शादी होती है नई नई, तो वो संबंध बना लेती है, ये मेरे पति हैं, है ना। एक रात में पंडित जी ने कह दिया, अब वो कल से उसका पति हो गया, कल से मतलब उसी समय से पति हो गया, संबंध बना लिया। कितनी देर लगती है संबंध बनाने में? और वो संबंध जीवन भर पक्का रहता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, जीवन भर संबंध पक्का रहता है। अब खुश है ना खुश है वो छोड़ो, पसंद है ना पसंद है वो छोड़ो, वो अलग बात है, उसके टॉपिक अलग हैं। ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये अच्छा है, ये ख़राब है, ये यों है, यों है, अब ये अलग टॉपिक है। लेकिन जो संबंध बना लिया, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये संबंध पक्का, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो ठीक है, वो बाहर की बातें शरीर के साथ, पर जो हम हैं, जो हम भगवान से आए हैं और एक दिन भगवान के पास वापस जाना है, उसकी बात हो रही है। वो जो मैं है, मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध किससे है? ये तो शरीर के संबंध है सारे बाहर के, ठीक है, करो सेवा करो, खुश रहो, पर मैं किसका हूँ, ये विचार की बात है। संसार में जो संबंध जन्य सुख भोग हैं, हम सुख चाहते हैं, संबंध बना के फिर सुख चाहते हैं। मेरा बेटा, अब अपनी तरह चलता है, सुख मिलता ही नहीं है। मेरे पति, अपनी तरह चलते हैं, सुख मिलता ही नहीं है। मेरी पत्नी, अपनी तरह चलती है, सुख मिलता ही नहीं है। तो संसार से जो संबंध जन्य सुख भोग हैं, वो दुखों के कारण हैं। हम दुखी क्यों हैं? शुरू में ही बात चली थी, हम भगवान के हैं तो हमें तो पूर्ण सुखी होना चाहिए, लेकिन हम दुखी हैं क्यों? ये जवाब आया। संसार से जो संबंध जन्य सुख भोग है, जो हम चाहते हैं सुख, ये दुख का कारण है। मान बढ़ाई, आदर, प्रेम, दूसरों से जो चाहते हैं, ये दुख के कारण है। विषय भोग, ये सब दुख के कारण है। हम सुख भोगते हैं तो हमको दुख मिलता है। हमारे गुरु एक बात बहुत कहते हैं, सूरदास का भी अकेला नहीं आता। आपने किसी सूरदास को बुलाया कि भाई हमारे घर खाना खाने आ जाना, तो किसी को साथ लेके आएगा, उसे कहाँ पता हमारा घर कहाँ है। तो ऐसे गुरु कहते हैं कि सुख के साथ दुख पीछे आता है, और सुख न लेना चाहें हम, भगवान ठीक है, आपने जैसे रखा है, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, हमें किसी सुख की आशा नहीं है, भगवान हमें तो आप चाहिए, बाकी दुनिया की हम सेवा कर रहे हैं, घर परिवार की सबकी हम सेवा कर रहे हैं, सेवा सेवा, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तू कर्तव्य कर्म कर, बदले की इच्छा मत रख, अपना कर्म कर, फल की चाहना मत कर। हम फल की चाहना करते इसीलिए दुख मिलता है। मानव शरीर बड़ा प्रिय लगता है, जीना अच्छा लगता है, इस शरीर से सुख होता है, सुख लेते हैं, फिर दुख होता है। बुद्धि का दुरुपयोग यही है कि ख्याल ही नहीं जाता कि मनुष्य का शरीर निरंतर मर रहा है, मतलब मरने की तरफ जा रहा है, इसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, ये हमें याद ही नहीं रहता। ये तो जब हम गुरु के पास आते हैं वो याद दिलाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमें मिली है, वो है समय।
समय देकर हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी काम धंधा करो, ये करो वो करो, ये करो वो करो, सुख प्राप्त कर सकते हैं, चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी करते रहो। लेकिन जब समय आता है तो सारी चीज़ें देकर, 60 साल के मान लीजिए हम हो गए, 60 साल हमने दुनिया को दिए, अब मृत्यु का समय आ गया। अब हम कहते हैं भगवान से कि मैंने 60 साल दिए हैं, मुझे 6 दिन दे दो, 6 घंटे दे दो, नहीं मिलेंगे। तो जीवन में सबसे बड़ी पूंजी हमें मिली है वो है समय। समय का सदुपयोग क्या है? भगवान में लगना। अब जितना जीवन बचा है उसके बाद तो मरना पड़ेगा, तो जितना जीवन बचा है उसको भगवान में लगा दें। अंदर की बात हो रही है, नाम जपते रहो, काम करते रहो, तो अपना काम किए जा और भगवान का नाम लिए जा। जिस तरह से आप चल रहे हो उस तरह से उन्नति कितने वर्षों में होगी, ये हमसे प्रश्न है कि जिस तरह से हम चल रहे हैं धीरे धीरे अपना लगाएंगे, मन लग रहा है धीरे धीरे, लग रहा है धीरे, संबंध तो एक मिनट में हो जाता है, साथ फेरे हुए, अब आप पति पत्नी हो गए, पंडित जी ने कहा हो गए, एक मिनट में संबंध हो जाता है। और भगवान के लिए हम कह रहे हैं धीरे धीरे, लगा रहे हैं मन, लगा रहे हैं नाम जप तो करते हैं, माला तो करते हैं, लगा रहे हैं मन। समय अगर लगाया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान के लिए समय लगाएंगे तो भगवान मिलेंगे। जो सबसे दुर्लभ है वो समय बाद में मिलता नहीं, फिर वो समय लगाने से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। संत महात्माओं की यही तो महिमा है कि उन्होंने अपने समय को जीवन मुक्ति में लगाया, परमात्मा प्राप्ति के लिए लगाया। जप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, विचार करें, सत्संग करें, ग्रंथ पढ़ें, जरूर उन्नति होगी। हमारी कितनी हानि हो रही है, जो समय जा रहा है जिसमें उन्नति हो सकती है उसको हम खराब कर रहे हैं, समय को। कितनी मूर्खता है कि भगवान का चिंतन न करके भोगों का चिंतन करते हैं, हम विषय चिंतन करते हैं। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कभी ध्यान दीजिएगा जो हम कर रहे हैं दिन में, उसमें सब विषय शब्द, बोलने का, सुनने का, स्पर्श, छूने का, सब छूने का, कपड़ा वपड़ा सब चीज़ छूने का, रूप देखने का, रस खाने पीने का, चखने का। एक बार भोजन कहीं किया, बड़ा अच्छा लगा, अब वो याद रहता है, ये रस ले रहे हैं हम। भगवान को याद रखना है या वो भोजन याद रखना है? तो भगवान का चिंतन न करके भोगों का चिंतन करते हैं, पैसे का चिंतन करते हैं। क्या पैसा निहाल कर देगा? क्या ये भोग, ये पैसा हमको मृत्यु से बचा लेंगे? है ताकत किसी में? विचार करें। हमें सोचने की, विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि खाली नाम जप की बात कहीं नहीं आती है। नाम जप करें, कीर्तन करें, ध्यान करें, विचार करें, सत्संग, ग्रंथ पढ़ना, सभी बातें आती हैं। क्या होता है? इन सब बातों से हमारा विवेक का विकास होता है, हमें बातें खुलती हैं। अब मन पड़ा है संसार में और कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो चौंदिस फिरे, ये तो सिमरन ना ही। तो सब चीज़ करने से बुद्धि का विकास होता है, समझ खुलती है और हमें समझ में आता है गलतियाँ कहाँ हैं हमारी, उनको ठीक करके हम ठीक तरह से भगवान में लग जाते। पूरा पूरा भगवान में लगना ये थोड़ा मुश्किल काम है, दम लगाना पड़ता है, पुरुषार्थ कहते हैं इसको, दम लगाना पड़ता है। भगवान ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, दम लगाना पड़ता है, मेहनत है। दुनिया में तो बहुत करी मेहनत, अब थोड़ी इधर भी करनी। हर कोई भगवान में लग सकता है, किसी को बाधा नहीं है, हर कोई भगवान में लग सकता है, मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो, मनुष्य भगवान में लग सकते, किसी जाति का हो, वर्ण का हो, आश्रम का हो, भगवान में लग सकते मनुष्य।
हमें ऐसी भगवत प्राप्ति का मौका मिल गया है जिसमें भगवान कहें कि भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान हमको बहुत प्रेम करने को तैयार हैं, फिर भी हम दुख पा रहे हैं, तो कहीं गड़बड़ी है, समझ नहीं आई है अभी हमें बात। हम शरीर भाव में पड़े, अपने को शरीर मान रहे हैं, भगवान का बच्चा नहीं। मौका तो है भगवान को पा लें, लेकिन कर रहे हैं काम नरकों की प्राप्ति का, पाप करते हैं, पापों का फल तो अधोगति होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। महान रक्षा करने वाले भगवान हैं, बाकी किसी में ताकत नहीं है कि वो हमारी रक्षा कर सके। हमारे पास बड़ा भारी धन है, जीने का समय मिला है, लेकिन ये जो सुख की इच्छा है ये हमको भगवान से दूर कर देती है। विषय चिंतन, विषय भोग, ये सुख की इच्छा ये भगवान से दूर कर देते हैं। अनुकूलता का सुख चाहते हैं हम, सब अनुकूल रहे। अब यहाँ गर्मी में आप लोग बैठे हैं, यहाँ तो कोई अनुकूलता नहीं है, लेकिन आपके मन में एक लालसा है कि सत्संग सुने। सत्संग से हफ्ते में एक दिन आते हैं, सत्संग से हमारी उन्नति होती है। वो बातें सुनने को मिलती हैं जो दुनिया में कोई नहीं बताता। जिससे बात करो बेकार की बात करेगा, भलाई बुराई करेगा। एक फ़ोन आया रिश्तेदार का, वैसे तो आते नहीं हैं, एक आया अभी पीछे 3-4, तुम्हें पता है वो मर गए। अरे मरना तो सबको ही है, बता मुझे यही पता होना चाहिए कौन कौन मर गया। सभी मरने वाले हैं, जो शरीर धारण किया है वो तो छूटेगा। तो ये जो सुख की आशा है ये महान दुखों का कारण है। इसी सुख भोग की आशा से लोग पाप कर बैठते हैं। अगर भयंकर दुखों से बचना चाहते हो तो सुख की इच्छा, भोग की इच्छा, इनको त्याग दो। भगवान से संबंध बनाओ, जो आपको अच्छा लगता है भगवान से संबंध बनाए। मुझे तो यही सबसे अच्छा लगता है, हम भगवान के बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे की रक्षा माँ बाप करते हैं, फिर हमें चिंता नहीं रहती, फिर हमारे माँ बाप हैं ना वो रक्षा करेंगे। बाकी आपको जो अच्छा लगे, सब अपना अपना बनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, यंग लोग जो हैं, कि हमने इन्हें अपना भाई बना रखा है, ठीक है, जैसे जो चाहे, जैसे अच्छा लगे। तो जो विषयों की कामना है ये हमको भगवान से दूर करती है, और ये पापों की जड़ है विषयों की कामना। खास पाप इसी से होते हैं, ये हमको भगवान से दूर करती है। ये बात मुझे याद आ जाती है अक्सर ही, एक भी संबंध अगर मैंने दुनिया में किसी से बना लिया तो भगवान गए, एक भी। ये बड़ा आई ओपनर है, आंखें खोलने वाली बात है। ये हम तो कितने संबंध बना के बैठे, किसी तरह भी सुख हो जाए, सुख मिल जाए, ये दुख का कारण है। तुम कैसे ही हो, कपूत हो, भगवान ने गीता में वचन दिया है, पापी से पापी भी यदि मेरी शरण में आ जाता है, और अब वो निश्चय कर लेता है कि भगवान मैं आपकी तरफ ही चलूँगा, आपकी तरफ ही चलूँगा, तो मैं उसके सब ताप और पाप से उसको मुक्त कर देता हूँ। क्या बात कह दी भगवान ने। आज दिन तक हम कैसे ही थे, आज से भगवान में लग जाए, भगवान अब बस आप हैं मेरे लिए, बाकी दुनिया का काम करो, फिर वही बात रहेगी, सेवा करो, सब करो, सब ठीक है। अंदर में निश्चय हो गया, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे, और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये अंदर की बात है, आप बाहर मत कह देना किसी से, बुरा लग जाएगा। क्या सपूत ही पुत्र होता है, कपूत पुत्र नहीं होता, सब तरह के बच्चे होते हैं। पहले तो 8-8, 10-10 बच्चे हुआ करते थे, बेटे होते थे, कोई अच्छा होता था, कोई बुरा होता था, कोई ठीक होता था, कोई कोई बड़ा ख़राब निकल जाता था, पर है तो उन्हीं माँ बाप का बेटा। अभी तो संसारी उदाहरण है, पर आध्यात्मिक उदाहरण में हम कैसे ही हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। पिता ये नहीं कह सकता कि मेरा पुत्र नहीं है, और ठाकुर जी तो, भगवान तो माता पिता से भी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ज़्यादा कोमल होते हैं,
भगवान को भक्त का दुख देखा नहीं जाता। दुख आते हैं जीवन में सबके, भक्त के भी जीवन में दुख आते हैं। वो भगवान इसलिए भेजते हैं कि तुम पक्के हो जाओ और तुम्हारी शुद्धि हो रही है। जब दुख आते हैं तो वो हमारी शुद्धि करते हैं। मन हमारा कहाँ कहाँ फंसा है भगवान उस समय सब दिखाते हैं। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम भगवान के पुत्र हैं। भगवान तो कहते हैं ये जीव मेरा ही अंश है और लाडले हैं। इसकी क्या पहचान है? मनुष्य शरीर मिला है, हम भगवान के ही हैं, ये बात पक्की कर लेनी चाहिए। ये शरीर माँ बाप से पैदा हुआ है, ठीक है, सेवा करो, इज्जत करो, मान सम्मान दो, सबको मान सम्मान दो, किसी से बुरी तरह मत करो, किसी को बुरा करके मत देखो। हे नाथ सबका भला हो, सबका भला हो, सबका, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे, सबका भला हो, सबका भला हो। पहले कपूत थे, अब तो हम सत्संग में लग गए, अब तो हम भगवान के प्यारे बेटा बेटी हो गए। हम भगवान के हैं, हम ठाकुर जी के हैं, अब गोत्र बदल लो। पहले जो भी गोत्र था अपने शरीर का, अब बदल कर हम भगवान के। बस यही याद रखना है, यही काम करना है कि हम भगवान के, अंदर की बात। अगर ये बात पक्की हो गई तो अब सब पापों से मुक्त भगवान करेंगे, अब उनकी जिम्मेदारी हो गई। जितने पाप हम अब तक करके आए हैं, जन्मों जन्मों पता नहीं कितने पाप करके आए, अब भगवान हमको शुद्ध करेंगे। उन्होंने वचन दिया है, अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। पर हम भक्त तो बने, भगवान के चरणों की शरण हो गए, अब सब ठीक है। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राना।